अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वजीहा रायता खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि विंटर है और विंटर में स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्लैकी हो जाती है और इस कलर बहुत ही ज़्यादा फैड होना शुरू हो जाता है, तो सबसे बेहतर ये है कि हम डेली अपनी स्किन की क्लेंसिंग करें और अपनी स्किन के मुताबिक क्लेंजर यूज़ करें। क्योंकि अगर आपकी स्किन ऑयली होगी और अगर आप ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली बना देता है। तो यहाँ आज मैं कुछ ऐसे क्लेंजर्स का रिव्यू शेयर करूँगी जिसको आप अपनी स्किन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहेगी और कोई भी मॉइस्चराइजर आप यूज़ करेंगे तो वो एकदम से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं अगर आप क्लेंजर अपनी स्किन के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और रेड सब्सक्राइब के बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल सके। तो आज मैं चार तरह की क्लींजर का जो है रिव्यू आपसे शेयर करूंगी कि कौन सा क्लींजर जो है किस टाइप की स्किन के लिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉफ्ट टच का डबल एक्शन क्लींजर है। ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, मतलब कि जो आपके पोर्स को बिल्कुल क्लीन कर देता है और ख़ास तौर पे जिनके फेस पर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स का प्रॉब्लम होता है या स्किन बहुत ही ज़्यादा ऑयली होती है उनके लिए ये क्लींजर बेस्ट है। ये आप इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि आपके जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे और इसमें वाइटनिंग इफेक्ट भी है क्योंकि ये आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है और इसकी सेंट भी बहुत प्यारी है। ये मैंने आपसे जितने क्लींजर अब तक शेयर किए हैं उसमें इसकी प्राइस सबसे कम है लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट है। आप इसको समर में भी यूज़ कर सकते हैं और विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे ये तमाम सुपरमार्केट्स पे भी आसानी मिल जाता है और आपको सॉफ्ट टच की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, तो ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ये क्रिस्टीन का व्हाइट ग्लो क्लींजर। ये भी एक प्रोफेशनल सीरीज में से भी है और ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ये खास तौर पर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है जैसा कि मुझे अब तक लगता है। वैसे ये इस पे लिखा हुआ तो ये है कि ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि स्किन को थोड़ा सा ऑयली बना देता है, इसलिए जिनकी ड्राई स्किन है वो इसको यूज़ करें तो उनके लिए ये बेस्ट है। और ये आपके चेहरे पे वाइट ग्लो भी देता है। अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइम तक आपको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये क्लींजर एक्नी प्रोन स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें मेंथॉल है और आप जब फेस पे लगाते हैं तो आपको बहुत ही सूदिंग इफेक्ट आता है। तो इस वजह से जो एक्नी प्रोन स्किन है उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है क्योंकि इसको लगाने से कोई इरिटेशन कोई इन्फ्लेमेशन स्किन पे नहीं होती। कि अक्सर जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उनको जो है अपने चेहरे पे क्लिनजिंग के बाद थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, तो ये एक्नी प्रोन स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद थर्ड नंबर पे है ये डॉक्टर राशिल का विटामिन सी का फेशियल क्लींजर। ये भी बहुत ज़्यादा बेस्ट, इस पर भी लिखा होता है ये सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये आपकी स्किन को जो है ना इतना ज़्यादा ड्राई करता है और ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली करता है। वैसे आप देखेंगे कि हर क्लींजर के ऊपर लिखा होता है ऑल स्किन टाइप, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जब तक किसी क्लींजर को यूज़ नहीं करते आपको नहीं पता चलता कि वो आपकी स्किन पर वाकई सूट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है उनको भी हर तरह के क्लींजर सूट नहीं करते, जिनकी ड्राई स्किन है उनके साथ भी यही होता है। तो इसी वजह से जो है आपको दो तीन दफ़ा मुख्तलिफ तरह के तजर्बे करके फिर ही आपको अपनी स्किन के मुताबिक सही का जो है क्लींजर मिलता है जो आपकी स्किन पे सूट भी करता है और वाकई सही तरीके से आपकी स्किन को क्लींस करता है, मतलब आपकी स्किन की जो है वो क्लींजिंग करता है। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट है। समर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप विटामिन सी का जो डॉक्टर राशिल का सीरम है वो यूज़ करते हैं तो वो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। तो इसका लिंक भी जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ इसको कर सकते हैं।
उसके बाद आखिर में जो है ये मिस टच का फेशियल क्लिनजर होता है। ये इसकी पूरी एक फेशियल किट भी होती है जिसका रिव्यू मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में जो है आप देख सकते हैं। इसकी पूरी किट का जो है रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है। ये भी बहुत बेस्ट है, ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। और अगर आप इसके साथ इसी का ही जो है टोनर यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पर जो है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो ये फिर आपको जो है टोनर के साथ आप इसको यूज़ करें तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है स्किन को बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो ये था आज का रिव्यू। इसमें ये चार तरह के क्लिनजर थे जिसमें जो है ये डबल एक्शन क्लिनजर जो था वो ख़ास तौर पे एक्नी प्रॉन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। और ये जो वाइट ग्लो क्लिनजर है जो आप देख रहे हैं ये ड्राई स्किन के लिए डॉक्टर राशिल का वाइटामिन सी का जो फेशियल क्लिनजर है वो कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, और मिस्टच का जो क्लिनजर आप देख रहे हैं ये नॉर्मल स्किन के लिए, मतलब इसको जो है सभी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर भी आप एक दफ़ा यूज़ करके आप ज़रूर इसको देखें, आपकी स्किन पे कोई भी क्लिनजर जिस तरह का इफेक्ट देता है आप उसके मुताबिक यूज़ करें। अगर आपकी स्किन ऑयली है और ये कोई क्लिनजर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देता है तो उसके इस्तेमाल को आप जो है डिसकंटिन्यू कर दें और उसके बाद जो है अपनी स्किन के मुताबिक क्लिनजर को यूज़ करें तो आपकी स्किन पे कभी भी ब्लैक हेड्स का, वाइट हेड्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।